गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट अस स्टार्ट विथ आवर न्यू प्रैक्टिकल, दैट इज हाउ टू क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग सिंपल एलसिफ लैडर. ओके, अपने ऑनलाइन कंपाइलर में ज करिए. ओके, लेट मी शेयर अ स्क्रीन. All of you, please open your browser and open online C compiler. Okay. First of all, hash include, right? ओके, एलसिफ लैडर का प्रैक्टिकल देखते हैं. सबसे पहले हैश इंक्लूड, उसके बाद है वॉइड मेन. ओके, सबसे पहले लेते हैं इंटीजर नंबर वन कॉमा नंबर टू और लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो. Okay, then after let us take character ch or we can say operator. Okay, now let us start. Papa, printf enter both the integer numbers. Okay, semicolon, then after scanf percentage d is the format specifier for इंटीजर वैल्यू. दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर डाल रहे हैं क्योंकि दोनों नंबर हम साथ में ही यूजर से गेट करवा लेते हैं, नंबर वन कॉमा नंबर टू. ठीक है, उसके बाद है सेमी कॉलन. अभी क्या करते हैं, टेक यूजर वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड. ओके, अभी क्या करते हैं, इसके बाद हम लेते हैं चूज और वी कैन से ठीक है, एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना है हमें, एंटर करना है. ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा. सो दैट यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर ऑपरेटर ऑफ योर चॉइस. ओके, कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वी कैन यूज प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लीकेशन कॉमा डिविजन कॉमा मॉड्यूलो कॉमा पावर. ओके, थोड़ी स्पेस डाल देंगे. उसके बाद सेमी कॉलन. ठीक है, नाउ स्कैन एफ परसेंटेज सी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर वैल्यू. ओके, उसके बाद है सेमी कॉलन. नाउ अप्लाई एल्स इफ
ladder to choose to select to check which operator is chosen from user side. Okay, now if operator equal to plus sign होगा तो which operation will perform? Result equals to number 1 plus number 2. Okay. Printf sum equals to percentage D. Okay. और यहाँ पर डालेंगे रिजल्ट. ओके, उसके बाद होगा एल्स इफ. दिख रहा है सबको? यहाँ पर होगा अगर ऑपरेटर इक्वल टू माइनस होगा तो विच ऑपरेशन विल परफॉर्म. रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2. ओके, उसके बाद है प्रिंट एफ. अकॉर्डिंगली सारे के सारे ऑपरेशन के लिए अपन ये परफॉर्म कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज डी और यहां पर अपन डालेंगे रिजल्ट. सबको पता चल रहा है? हेलो. यस मैम. उसके बाद अगेन एल्स इफ में एक और कंडीशन डालेंगे. देख लो कि हमारा ऑपरेटर हमारे ऑपरेटर्स कितने यहाँ पे दिए हुए हैं. यहाँ पर इस जगह पर तो हमारे पास 1 2 टोटल 6 ऑपरेटर्स है. सो दैट वी हैव टोटल 5 कंडीशन और वी कैन से 6 कंडीशन और 7th जो होगा लास्ट वाला एल्स दैट वुड बी अ डिफॉल्ट चॉइस. ओके, तो हम डालते हैं यहाँ पर इफ ऑपरेट एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पर हमारा ऑपरेशन होगा रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2. प्रिंटएफ पर मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू नंबर 1 सॉरी परसेंटेज डी. परसेंटेज डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर. हर बार बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए जब मैं एग्जाम के टाइम पर पूछूं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है. मार्क माय वर्ड्स, ये वाइवा के टाइम पे क्वेश्चन हो सकता है. डिवीजन रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2. प्रिंट एफ डिविजन इक्वल्स टू परसेंटेज डी यहाँ पर होगा रिजल्ट. ओके, फिर होगा मॉड्यूलो एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू मॉड्यूलो. अगर ये होता है तो रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 मॉड्यूलो नंबर 2. प्रिंट एफ
modulo equal to percentage d and यहाँ पर होगा result. All of you getting my point? इसके बाद होगा else if operator equal to power. Okay? और यहाँ पर होगा result equals to number 1 की power होगी number 2. ठीक है, प्रिंट एफ पावर ऑफ टू नंबर्स और वी कैन से नंबर वन पावर नंबर टू इक्वल्स टू रिजल्ट सॉरी परसेंटेज डी यहाँ पर होगा रिजल्ट. ओके, परफेक्टली डन. और लास्ट में होगा हमारा एल्स पार्ट, उसमें हम डाल देंगे इनवैलिड चॉइस. यू योर चॉइस इज इनवैलिड. ओके, हो गया. अभी इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या है, कुछ एरर हो रही है. लेट मी चेक. स्कैन एफ मा एम्परसेंट रही गया छे. ये सारी एरर्स आनी ही चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी जगह पर एरर हो रही है. अभी एक और जगह पर हो रहा है, रिजल्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है. तो ये सारा कुछ आप लोग अगर देखते चेक करते हो, मतलब प्रोग्राम करते हो, तो देखा करो कि कहाँ पर एरर हो रही है. ठीक है, ओके. दो इंटीजर नंबर्स डालने हैं, डाल दो. चलो, ओके. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटर की चॉइस डालेंगे. हाँ, ઇક્વલ પ્લે હોય તો એમાં છે ને પહેલો નંબર લખવાનો, એના પછી આજે આપણે પ્લસ કરવો હોય તો પ્લસ, અને એના પછી બીજી વધુ એક્સેસ પ્રિન્ટ એફ માં કરવું પડશે. તો લેટ મી ચેક. ઓકે, ડન. હેલો. યસ મેમ. પહેલા શું કરવાનું, ઓપરેટર લઈ લેવાનો. બરાબર, આપણે ફરીથી એકવાર રન કરી જોઈએ. ચલો, કયો ઓપરેટર લેવો છે? પાવર વાળો લેવો છે. ઓકે, આ મેમ પાવર વાળો 10 ની 2 પાવર. 8 નહીં આવવો જોઈએ આન્સર. કેમ આ રીતનો આવ્યો? લેટ મી ચેક. एक मिनट.
ओके पावर ओके टेन एंड टू आईवो हंड्रेड सी अहीं डायरेक्ट आपणे पावर फंक्शन नो यूज करवो पड़से हियर इज द इनबिल्ट फंक्शन फॉर कैलक्युलेटिंग पावर ऑफ अदर नंबर ओके जो भी रेस टू होगा वो इस फंक्शन से अपन यूज कर पाएंगे एंड फॉर दैट यू हैव टू इंक्लूड मैथ डॉट हेडर फाइल ओके अंडरस्टैंड हेलो यस खबर पड़ी कई रीते करवानु छे यस मैम एक बार मॉड्यूलो जई लईए ओके एक मिनिट ओके मॉड्यूलो शू बतावशे इट शोज अ रिमाइंडर वेल्यू ओके ख्याल आवे छे चलो स्क्रीनशॉट लई लो लीधो लई लो अहीं थी लीधो स्क्रीनशॉट હવે અહીંયાથી લઈ લો ઓકે ચલો પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો ચલો ઓકે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમારે ઇફ એલ્સ ના નેસ્ટેડ ઇફ ના પ્રેક્ટિકલ કરવાના છે પ્લસ ફોર લૂપ થી 1 ટુ 10 પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે સોરી 100 ટુ 1 પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે ફોર લૂપ નો યુઝ કરીને એન્ડ સેકન્ડ ફોર લૂપ નો યુઝ કરીને 2 નું ટેબલ પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે ઓકે સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેબ હેવ અ ગુડ ડે બાય ટેક કેર